नमस्कार, मैं प्रदीप अग्निहोत्री, कैमरामैन ऋषभ अग्निहोत्री के साथ लाइव 24 इंडिया न्यूज के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय देश कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, शहरों में बहुत एहतियात बरते जा रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के रूरल एरिया में, ग्रामीण अंचलों में कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं लोग, क्या क्या चीज़ों के लिए वो जानकार हैं, वो जान चुके हैं किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों में सावधानी बरतनी है। इसी श्रृंखला में आज हम आए हुए हैं बांदा जिले के ग्राम गिरवा में। आइए कुछ ग्रामवासियों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में वो क्या समझते हैं, क्या जानते हैं और उससे बचे रहने के लिए, उससे सुरक्षित रहने के लिए, उससे अपने परिवार को बचाए रखने के लिए किन किन सावधानियों को वो कर रहे हैं, अपना रहे हैं। बात करते हैं ग्रामीणों से, कोरोना वायरस के बारे में आप क्या समझती हैं और इससे बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर रही हैं घर में? हम घरों में हाथ धुलते हैं और घर से बाहर नहीं निकलते और अपने सभी भाई बहनों को बोलते हैं कि घर से बाहर मत जाइएगा और हमारे स्कूल कॉलेज भी बंद हो चुके हैं। और आप क्या समझती हो कोरोना वायरस के बारे में और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करती हो अपने तरीके से, घर वालों को बचाने के लिए, घर की सुरक्षा के लिए, वायरस से संक्रमित होने से बचे रहने के लिए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं घर में? सभी लोगों से कहते हैं कि चेहरे पे मास्क लगा के रखें, किसी से बात ना करें, दूरियां बना के रखें और कहीं पे भी बाहर मतलब ना जाए। अपने घर के गार्जियंस बताया गया है, गाइडलाइन आई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा, कि घर के बुजुर्गों को, विशेषकर बच्चों को इस वायरस से हमें बचाना है, तो उसके लिए आप क्या अपने घर के बच्चों को और गार्जियंस को बचाने के लिए क्या एहतियात बरत रही हैं? ये कि हम अपने गार्जियन को और बच्चों को घर ही में रखना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं, घर से बाहर ना निकले ज्यादातर अच्छा होगा उनके लिए। और उनकी साफ सफाई के लिए, हाथ क्लीनिंग के लिए और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं आप? कुछ भी काम करने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए और मास्क पहने रहना चाहिए 24 घंटे। ये पूरी कोशिश कर रही है आप, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम जानते हैं ग्रामीण से कि जो है कोरोना वायरस से बचने के लिए इनकी तरफ से क्या क्या सावधानियां बरती जा रही है। कोरोना वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं? कोरोना वायरस के बारे में जैसे बताया गया है डॉक्टरों के द्वारा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जैसा संदेश आया है कि बार बार हाथों की सफाई करें और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी रखें, तो इससे आपस में मिलने से इस वायरस का संक्रमण का खतरा बना रहता है, इसलिए बचाव ही इसका एक उपाय है। संक्रमण वायरस का संक्रमण का उपाय केवल एक बचाव ही उपाय है, इसलिए हमारे गांव में इस समय माताएं एवं सभी बुजुर्ग भाई एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रहते हैं। घरों से तभी निकलते हैं जब कोई आवश्यक कार्य होता है, तभी एक दूसरे के पास या दुकान पर या मेडिकल में या अपने बैंकिंग कार्य में कार्य हेतु ही घर से निकलते हैं। वह जब घर जाते हैं तो हाथ साबुन से धुलते हैं और फिर इसके बाद अपना भोजन अन्य कार्य घर में सम्मिलित होते हैं। आप घर के गार्जियन हैं, हम घर के, हाँ, आपके ऊपर परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, आपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कौन कौन से एहतियात बरते हुए? हाँ जी, सावधानियों का आप जो है प्रयोग कर रहे हैं, किन किन कौन कौन सी सावधानियाँ बरत रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम अपने परिवार के साथ रहते हैं तो हम, जैसे हमारा बच्चा स्कूल से आता है या बाजार से आता है तो पहले, सबसे पहले आकर के घर में हाथ साबुन से धोता है, मास्क लगा करके बाहर जाता है और साबुन से धुलने के बाद थोड़ा सा उचित दूरी बनाए रखते हैं। और जैसे ही दुकान जाना है या कोई आवश्यक कार्य के लिए जाना है तो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखते हैं। और माताओं का है तो वो भी मास्क लगाए रखती हैं और साफ सफाई का पूर्णतया ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के बारे में आप क्या समझते हैं और इससे संक्रमित होने से बचे रहने के लिए कौन कौन से एहतियात आप बरत रहे हैं अपने घर में? कोरोना वायरस ये संक्रमित बीमारी है, इससे बचने के लिए घर में साफ सफाई की जरूरत है, मुंह में मास्क या रुमाल बांधकर बात करना चाहिए,
और अपने अगल बगल कहीं भी गंदगी नहीं होना चाहिए, लोगों से कम एक मीटर दूर होकर बात करें। ये भी बोलेगी, इसमें वायरस जो इसके होते हैं, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, जो नाक इसके उपाय को क्या करें। आप अपने घर में कौन कौन से उपाय अपना रहे हैं? अपने घर में सभी उपाय अपनाए हैं। घर में साफ सफाई पहले नंबर पर, कपड़े उपड़े सभी साफ, हर बर्तन हर चीज वॉश बेसिन में जो है हैंड वॉश रखे हैं, हर 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटे में हाथ धुलते हैं। और अपने घर में मास्क सब बच्चों को सभी लोगों को लगाए हैं, सब लोग दूर से बात करते हैं एक दूसरे से। ये आपने देखा कि हमने कोरोना वायरस के बारे में ग्रामीणों से बात करी, उन वो क्या एहतियात बरत रहे हैं, क्या सावधानियां बरत रहे हैं अपने परिवार को बचाए रखने के लिए, अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। उन्हें अपने तरीके से बताया, सावधानियां बरती जा रही हैं, लोग सावधान हैं, कोरोना वायरस के बारे में जान चुके हैं, उसके संक्रमण के बारे में जान चुके हैं। इसी श्रृंखला में आइए हम और भी ग्रामीणों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं। कोरोना वायरस के बारे में आप क्या समझते हैं और इससे संक्रमित होने से बचे रहने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं? हम तो इसमें बहुत उपाय कर रहे हैं, हाथ धुलते हैं, सफाई से रहते हैं और दूर रहते हैं और मुंह ढाक के रहते हैं और बच्चों को अपने सफाई से रखते हैं। क्या पूरा परिवार आपका घर से बाहर रहता है या घर के अंदर रहता है? घर के अंदर रहता है। घर से बाहर जाने पर आप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए हुए हैं? मास्क वगैरह देती है उनको, मुंह ढकने के लिए बोलती है? हाँ जी, देते हैं उसको, मुंह ढकते हैं, साफी से ढकते हैं, रुमाल बांध के चलते हैं। घर में सैनिटाइजर वगैरह, हाथ धुलने के लिए जो है साबुन वगैरह सब? हाँ सब साबुन से धुलते हैं हाथ, ब्रश मंजन करते हैं, सफाई से रहते हैं, मच्छर भी नहीं आते हैं, माछी भी नहीं आती है और सफाई से तो रहते हैं। कोरोना वायरस के बारे में क्या समझते हैं आप, क्या जानते हैं और इससे संक्रमित होने से बचे रहने के लिए क्या उपयोग कर रहे हैं, क्या सुरक्षा कर रहे हैं? इससे बचने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि घर से बहुत कम निकले और अपने चेहरे को ढके रहें, हैंड वॉश का प्रयोग किया जाए, कोरोना वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं और इससे संक्रमित होने से बचे रहने के लिए आप क्या 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 सावधानियां बरतें? लोग जो है हमारे हमको बचने के लिए सेफ रहना चाहिए, अपने को, अपने परिवार को, अपने जो है यार जो दोस्त हैं उनको कहना चाहिए, बताना चाहिए कि आप लोग सब घर के अंदर हैं, जब कोई काम हो तभी वहाँ है, तो हमारा कहना। क्या ये सावधानियाँ आप बरत रहे हैं? प्रॉपर हाथ धुल रहे हैं? बिल्कुल, साबुन से, साबुन से हाथ धुल रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और अपने परिवार को ज्यादातर घर के भीतर रहने के लिए जो है उनको कह रहे हैं घर के अंदर रहेंगे। चलिए चलिए, बहुत कोरोना वायरस के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं और इससे संक्रमित होने से बचे रहने के लिए क्या एहतियात बरतें? कोरोना वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं, उससे बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरतें? कोरोना वायरस से बचने के लिए हमको जो है लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए, अत्यधिक भीड़ में खड़ा नहीं होना चाहिए, बार बार मुंह में मास्क लगाना चाहिए और इस समय को माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील मद्देनजर रखते हुए घर से बाहर कोरोना वायरस के बारे में आप क्या जानती हैं और इससे संक्रमित होने से बचे रहने के लिए अपने परिवार को बचाए रखने के लिए क्या क्या एहतियात बरत रही हैं? कोरोना वायरस से बचने के लिए हर 20 मिनट में हाथ धोना चाहिए और बचाव से रहना चाहिए। कोरोना वायरस का बचाव ही है, बचाव से ही सही सलामत है, बचाव ही जिंदगी है और हर 20 मिनट में हाथ धोते रहना चाहिए। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या क्या एहतियात बरत रही हैं? अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहना चाहिए, कोई कार्य नहीं है तो बाहर कोई निकलना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए आप क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं?
अपनी तरफ से कोरोना वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं और इसे संक्रमित होने से बचे रहने के लिए अपने परिवार को बचाए रखने के लिए क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं? भाई हम लोग जो है रखते हैं और जो है साफ सफाई रखते हैं, हम बार बार हाथ धोते हैं, दूसरे आदमी से एक मीटर की दूरी पर रखते हैं और अपने परिवार के लिए सुरक्षा के लिए क्या घर के अंदर रहते हैं? घर के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं जाने देते बच्चों को। क्लिक कर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव में भी लोग कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि ये संक्रमित करने वाली बीमारी है जो एक दूसरे के नज़दीक आने पर, एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलती है। लोग काफ़ी सावधान हैं, सुरक्षित रहने के लिए अपने तरीके से एहतियात बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं, ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि घरों में रहने की। उसके बावजूद भी लोग अभी भी काफ़ी लापरवाह हैं, काफ़ी लापरवाही दिखा रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में इजीली आने की कोशिश कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं किसी भी आम सब्जेक्ट पर, या ये ले लीजिए कि कोरोना वायरस के बारे में जो डिस्कशन चलती है आपस में, उसमें एक नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो अभी इस देश में अब कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अभी और भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत है, एक दूसरे से दूर रहने की ज़रूरत है, हमें कुछ एहतियात और बरतने की ज़रूरत है जिससे हम इस महामारी से बच सकें और इससे निजात पा सकें। कैमरामैन ऋषभ अग्निहोत्री के साथ मैं प्रदीप अग्निहोत्री, लाइव 24 इंडिया न्यूज़ के लिए